ये वही देश है 2008 में जो होटल ताज में हुआ था गदर और सब चूड़ी पहन करके सो गए थे आठ घंटा लग गया था मिनिस्टर को बॉम्बे पहुंचने में कमर्शियल फ्लाइट लेता है एक घंटा पैतालीस मिनट आठ घंटा लगा था क्या कर रहा था होम मिनिस्टर सूट बदल रहे थे क्या कर रहा था देश का डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहा था प्रधानमंत्री अजय ने पूछा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अमेरिका ने मनमोहन सिंह से क्यों नहीं एक्शन लिया बोला एक गलत संदेश जाता एक धर्म विशेष को मुसलमानों को गलत संदेश जाता है हमारे मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री जब देश का प्रधानमंत्री देश को सुरक्षित नहीं कर सकता है वो काहे का, का प्रधानमंत्री हम किसी को छेड़ेंगे नहीं लेकिन मुझे छेड़ेगा तो हमको छोड़ेंगे नहीं संस्कृत में कहा जाता है सठम साठम समाचरित जो तो लाठी की भाषा समझते हैं उनको लाठी की भाषा में जवाब देना चाहिए चाहे अमेरिका हो चाहे कनाडा हो चाहे ब्रिटेन हो चाहे टर्की हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो कुछ और भी देश हो वो नहीं चाहते उनको पच नहीं रहा है हिंदुस्तान की बढ़ती हुई बढ़ता हुआ आर्थिक विकास बढ़ती हुई मिलिट्री माइट चंद्र मून पे लैंड करने की हमारी क्षमता कम कीमत बर्दाश्त नहीं हो रहा है मोदी करेक्ट आई एस आई को जन्म देने वाला दोषी अमेरिका है दे इनको उत्तर देना पड़ेगा पूरे विश्व को नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है देश के रक्षा मंत्री ने गजब कर दिया इंटरव्यू दी और कह दिया कि अगर हिंदुस्तान के आतंकवादी पाकिस्तान में छिप जाए या दूसरे देश में छिप जाए घुस के मारेंगे बवाल मच गया है प्रधानमंत्री जम्मू में थे बिहार में कल उन्होंने भी ऐलान कर दिया अब ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहा क्या आप हमारे ऊपर हमला करो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दो और हम दूसरे देशों से शिकायत करें अब का भारत जो है वो घुस के मारता है कुछ लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है और ये दर्द सिर्फ हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टियों को नहीं दुनिया भर में जितनी भी एंटी इंडिया लॉबी है उसको मिर्ची लग गई है गार्जियन लंदन ने एक पूरी की पूरी रिसर्च कर डाली क्या सच है क्या गलत है वो तो बाद में आप अपना खुद एनालाइज करेंगे लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए गर्वान्वित महसूस कराने वाला लेख लिख दिया लिस्ट निकाल दी कि पाकिस्तान में पिछले पांच सालों में कितने सारे आतंकवादी जो हिं, हिंदुस्तान के हिटलिस्ट में थे उनकी मौत हो गई और वहां की आयसाई कहती है कि भाई रॉर इनका हिस्सा है हिंदुस्तानी एजेंसियों का हिस्सा है अच्छी बात है आप प्रोपोगंडा करो हम आपके प्रोपोगंडे से खुश हो जाते हैं तो मोदी को हेट करने वाले मोदी के ऊपर निशाना साधने वाले हिंदुस्तान का विरोध करने वाले और हिंदुस्तान की बढ़ती हुई साख उससे ईर्ष्या करने वाले क्या क्या प्रोपोगंडा कर रहे हैं ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेरे साहब है आपका बहुत बहुत स्वागत है सर घुस के मार रहे हैं क्या हम लोग एकदम हम किसी को छेड़ेंगे नहीं लेकिन छेड़ेगा तो हमको छोड़ेंगे नहीं संस्कृत में कहा था है सठम साठ्यम समाचरित जो तो लाठी की भाषा समझते हैं उनको लाठी की भाषा में जवाब देना चाहिए तीसरी बात सांप का एक ही ट्रीटमेंट होता है खत्म करो सांप कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर पे आएगा इनविटेशन देके मैं आ रहा हूं जी मुझे मार दो ढूंढो कहा पूरा मामला क्या है ये लंदन गार्जियन ने क्या बवाल किया करेक्ट ये लंदन का ब्रिटेन का एक न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर है उसका नाम है गार्जियन रिपोर्टर का नाम है हीना एलिस पीटरसन ये तो वही है वही है एंटी इंडिया एंटी इंडिया एंटी, एंटी वो आता हूं मैं तो आता तो हूं। तो दलाल है एकदम एकदम आता हूँ आता आता तो वो क्या लिखती है कि लास्ट एक साल में पिछले एक साल में बीस आतंकी मारे गए हैं और उसने कहा है अपने रिपोर्ट में कि रॉ आईबी और एनआईए और साइलेंट सपोर्ट से पीएमओ ऑफिस से यह कार्रवाई की गई है तो क्या सोर्स है इसका बता रहा हूँ आता हूँ कि बेसिस बेसिस ऑफ रिपोर्ट क्या है उसके बाद वो तो कहती है कि ये खेल 2019 में पुलवामा अटैक के बाद शुरू हुआ और उसी समय से प्लानिंग शुरू हुई कि अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे एक्शन मोड में जाएंगे ऑफेंसिव मोड में आएंगे और उसका अंजाम और इन्होंने इंस्परेशन लिया खसोगी जो सऊदी अरबिया के रॉयल्टी के खिलाफ था उसको ठोक दिया गया तो उनसे इन्होंने इंस्परेशन लिया मुसाद से इंस्परेशन लिया के जी से इंस्परेशन लिया कि भाई सठम साठम समाचार के दुश्मन हो हम ढूंढ के निकालेंगे और टोकेंगे। भाई तो तो ये काम काम तो अमेरिका भी भी करता है करेक्ट नाटो ने यही किया ओसामा बिन आदमी को जो है तो आपने, आपने मार दिया आपने डब्लू एम डब्लू एम डी वेपन डिस्ट्रक्शन का खाली लैब लगाया और मार दिया उसको पूरा देश को और आई एस आईस का जन्म वही हुआ है यदि वो जिंदा होता तो आई एस आइस खड़ी नहीं होती सही बात आई एस आईस को जन्म देने वाला दोषी अमेरिका है दे हैव टू आंसर इनको उत्तर देना पड़ेगा पूरे विश्व को अच्छा खासा उ चला रहा था और वो अंकुश लगाए हुए था इन लोगों को गंदे के राक्षसों पर खैर अब आते हैं तो बेसिस ऑफ रिपोर्ट क्या है सवाल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि भाई कैसे रात को सपना आया क्या है भगवान शिव आय कि बताओ कि भाई है ना हमने ये देखा है बेसिस रिपोर्ट वो कहती है कि कुछ रिटायर्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर्स को मैंने इंटरव्यू किया मतलब आईएसआई के दलालों से बातचीत हाँ ये सब फेक है ये पेड न्यूज़ है और अल्टीरियर मोटिव थोड़े थोड़े के बाद मैं आता हूँ वो कहती है बेसिक उस, उसका चीज़ क्या कहना है उसका कहना है कि पोस्ट पुलवामा अटैक हिंदुस्तान का जो इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्शन मोड में आया और कोर्ट कहती है तेरह का वीडियो है 2013 का मोदी जी का जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे बड़ा अच्छा उन्होंने कहा था कि यूनाइट हिंदुस्तान को अब यूनाइटेड नेशंस भागने की जरूरत नहीं है भागे वो जो आतंक करते हैं तो हिंदुस्तान के खिलाफ और जो देश का दुश्मन है उसको लोकेट करके उसको मारने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात तो आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान ने आज तक इतिहास साक्ष्य साक्ष है इतिहास गवाह देगा कि हमने हिंदुस्तान ने आज तक किसी देश पे चढ़ाई नहीं की हमने आज तक किसी का जमीन नहीं लिया लेकिन यदि अब कोई हम पर ऑफेंसिव होगा आतंक करेगा तो हम उसको मारेंगे चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे कहीं भी हो आज बहुत साफ कर दिया और कानूनी दृष्टिकोण से आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का लॉ क्या है राइट टू सेल्फ डिफेंस Right to self में क्या है आप मुझे गोली मारिएगा मैं तो ये के ही बिल्कुल अविश्वसनीय लग रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार इस तरीके से डंके की चोट पे कहे कि तुमने अगर हमारे तरफ आंख उघेर के देखी तो हम दोनों आंख निकाल ये वही देश है 2008 में जो होटल ताज में हुआ था गदर और सब चूड़ी पहन करके सो गए थे आठ घंटा लग गया था होम मिनिस्टर को बॉम्बे पहुंचने में कमर्शियल फ्लाइट लेता एक घंटा पैंतालीस मिनट आठ घंटा लगा था क्या कर रहा था होम मिनिस्टर क्या सफारी छूट बदल रहे थे क्या कर रहा था देश का डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहा था प्रधानमंत्री अजय ओबा ने पूछा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अमेरिका ने मनमोहन सिंह से क्यों नहीं एक्शन लिया बोला एक गलत संदेश जाता एक धर्म विशेष को मुसलमानों को गलत संदेश जाता है मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री जब देश का प्रधानमंत्री देश को सुरक्षित नहीं कर सकता है वो काहे का प्रधानमंत्री है तो तो अब कहानी बदल गई है फिर हेना कहती है कि वहाँ के लोकल्स को सुपारी दे दिया है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यू में इनका स्लीपर सेल है और पूरा से वहाँ कोऑर्डिनेशन होता है वहाँ के लोकल्स जहादी को हायर किया जाता है और वो ठोक देते हैं अरे भाई जब तुम्हारा घर ही सेफ मतलब में आग लगी मतलब इनका बेसिस तीन है हाँ। एक आईएसआई को मालूम है कि हम कभी भी मारे जा सकते हैं करेक्ट वन नंबर टू कि पाकिस्तान के आईएसआई और वहाँ के वहां जो है इस तरह के एजेंट्स हैं जो बिकने के लिए तैयार है पाकिस्तान का सौदा करने को तैयार है वही तो बात है। और तीसरा ये कि इस पूरे काम में हमें यू का भी साथ है करेक्ट यही तीन यही तीन यही, तीन, यही बेसिस यही तीन अच्छा अब आता सबसे बड़ा प्रश्न होता है आपके दर्शकों को पूछेंगे हिना है कौन हिना है क्या चीज है एंटी हिंदुस्तान की ये रिपोर्टर है टोटली एंटी इंडिया मैं कोट करता हूं ये वही औरत है जो कहती थी कि श्रीनगर में इंटरनेट बंद कर दिया सरकार ने ये वही औरत है जो बोलती है सीए के परिप्रेक्ष में कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है ये वही औरत है जो कहती है कि जी ट्वेंटी में जब ताम झाम हिंदुस्तान का देखा छवि पड़ती मतलब कांग्रेस पार्टी के पेरोल पे है करेक्ट वो बोलती है कि झोपड़ी तो दिखा देते उसके बाद ये वही औरत औरतरा हाँ पत्ता गिरा है उसके बाद बोलती है खालिस्तानी एक्टिविटीज को ब्रिटेन में मारा हिंदुस्तान की सरकार ने मारा अयोध्या के बारे में बोलती है पॉलिटिकल गिमिक है नौटंकी है फिर बोलती है हिजाब बैन ये हिजाब पे बैन नहीं लगना चाहिए चौथा चीज बोलती है कोई हिजाब पे बैन नहीं था कोई बैन नहीं था जो बोल तब बोलती है बोलती है कि जो कुरकट जो जो गंदगी फैली हुई है उसको भी दिखा दो जी मतलब अगर कुल मिलाकर ये कहे कि ये आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट है एकदम बाकी लोग तो टेररिस्ट जो बॉम्ब से उड़ाते हैं हिंदुस्तान पे हमला करते हैं ये वैचारिक आतंकवादी है अब मैं बताता हूँ ये ये, ये क्यों किया गया ये बताइए इसका पीछे का, भाई का हर है? एक चीज के ऊपर तो मकसद होता है ना? मकसद ना? क्या है मकसद ये है कि चाहे अमेरिका हो चाहे कनाडा हो चाहे ब्रिटेन हो चाहे टर्की हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो कुछ और भी देश हो वो नहीं चाहते उनको पच नहीं रहा है हिंदुस्तान की बढ़ती हुई चवी बढ़ता हुआ आर्थिक विकास बढ़ती हुई मिलिट्री माइट चंद्र मून पे लैंड करने की हमारी क्षमता कम कीमत बर्दाश्त नहीं हो रहा है मोदी करेक्ट सीधा बात सीधा बात मोदी जी टारगेट पे बस। है। तो क्या रिजीम चेंज एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाओ जो कि ड्रग्स लेता हो जो बकवास करता हो जिसको होश नहीं रहता हो कि क्या बात करना है रिजीम चेंज करो और वो तो पिट्ठू होगा पैसे दो जो साइन करवाना है करवा लो सब ये पता है उसके बाद परसेप्शन वॉर ये क्रिएट करना चाहती है इन्फ्लुएंस करना चाहती है 2024 के इलेक्शन को मोदी की छवि को डेंट करना चाहती है हिंदुस्तान को डिफेंसिव बोर्ड में डालना चाहती है और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे तो मुझे तो लगता है कि तो मूर्खता है आप इस तरह की स्टोरी बताओगे कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बीस बीस आतंकवादियों को घुस के मार दिया और छवि बढ़ वोट तो आप ज्यादा बढ़ जाएगा किस मैं ये लोग ये बुद्धि जो है इन लोगों के जो है उसको लगवा मार दिया है मनीष प्रॉब्लम इनको है ये हिंदुस्तान का साइक वो समझते नहीं समस्ते है समझते नहीं है क्योंकि जमीन से नहीं जुड़े हैं ना मूर्खों की टोली है तो अच्छा इनको करता है और ऐसे ऐसे लोग लगता है राहुल गांधी को ट्रेनिंग देते हैं वही तो <laughs> अंधा दिखाया बहरा को रास्ता वही वाला कई बात है बिहार में ना अंधा दिखाया बहरा को रास्ता अच्छा अब आते हैं कि रोल ऑफ यूएस कैनेडा एंड ब्रिटेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये निज्जर के मरने पे कनाडा ने क्या कहा था अमेरिका के इशारे पे कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वाल्व है और पाकिस्तान का लोकल कनाडा का बोलता है मेरे पास सबूत है कि आईएसआई ने मारा है निज्जर को जो मेरा रिश्तेदार है मेरा बाप है उसके बेटे ने कहा ये बात कि मेरे बाप को आईएसआई नहीं मारा है इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए पिता पुत्र का रिश्ता सबसे प्योर रिश्ता होता है पिता माता का माता और बेटे का रिश्ता बहुत प्योर होता है वो बोल रहा है स्टेटमेंट हम नहीं बोल रहे तो कनाडा का तो सब नटेगी खत्म अमेरिका क्या बोला कि पन्नू को मारने की कोशिश की गई और क्योंकि पन्नू हमारा अमेरिकन सिटीजन है हमारे सॉवरेंटी पे अटैक हो रहा है कहा गया था सदाम हुसैन का सॉवरेंटी कहा गया था और कहा गया था वो कर्नल गडाफी का सॉवरेंटी राइट कहा गया था ओसामा बिन लडन का सॉवरेंटी कहा गया था पाकिस्तान का सॉवरेंटी सब बकवास करता है सब मधोश रहता है कि हम वर्ल्ड पावर सुपर पावर नंबर वन है अब आते हैं तो ये अब अब ब्रिटेन कूदा पहले एक्टर नंबर वन फिर मेन कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर सिनेमा का फिर तीसरा एक्टर साइड एक्टर साइड एक्टर ब्रिटेन क्या बोलता है कि रॉ आई और पी एम ओ इन वर्ल्ड में गार्जियन एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ यदि गार्जियन की हिना यह रिपोर्ट कर रही है नॉर्मली क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो राष्ट्र का जहां हित अफेक्ट हो सकता है ऐसी इसी रिपोर्ट में गवर्नमेंट को लूप में रखा जाता है बता के रखा जाता है हम पब्लिश करने जा रहे हैं आर यूर ऑर्डर क्योंकि इसका रेमिफिकेशन रिश्तों पर है आर्थिक व्यवस्था पे है तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है आप किसी आप पाकिस्तान को सपोर्ट करने चले आपकी आप खुद की नाव डूब जाएगी तो तो मैं ये मानने के तैयार ही नहीं हूं कि सुनक वॉज नॉट इन्फॉर्म ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज नॉट इन्फॉर्म नहीं मान सकता इन्फॉर्म होने के बावजूद ये प्रिंट करती है इसका मतलब है कि सपोर्ट बहुत बड़ा गेम चल रहा है गेम चल रहा है तो अब आते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इंडो ब्रिटिश रिलेशनशिप में सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा एफ पे चौदह बार इनकी मीटिंग हो चुकी थी ब्रिटेन और हिंदुस्तान के बीच में और फैसला ये हुआ था मोस्ट पर्डली मतलब लिखित में नहीं जबान ये कि इलेक्शन के पहले हम लोग अनाउंस कर देंगे आपने नहीं किया इस पानी में बिहार में जो कहावत है कहा तो रिलेशनशिप प्रभाव पड़ेगा अच्छा शीशा तोड़ना आसान है जोड़ना बड़ा मुश्किल है जब दिल टूट जाता है ना तो टूट जाता है मनीष बड़ा मुश्किल है अब आते हैं हम मैं अपनी तरफ से हिंदुस्तान ने हमेशा इन डिनाई किया है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है भाई तुम्हारे तुम्हारे फैमिली में तुम्हारा बेटा तुम्हारे दूसरे बेटे को मार देता है तो इसमें पड़ोसी का क्या हाथ है क्या हाथ है हमारा तो कोई हाथ ही नहीं है तो दूसरी बात कि पाकिस्तान ने तो आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि लोग मारे गए हैं क्योंकि एक्सेप्ट करेगा तो इसका बताइए आतंकी तुम्हारे पास थे राइट right. तो उसके तो मुंह बंद है मुंह में तो दही खा रखा है कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया है वो है, है।, है ना बोलते हैं कि लोकल जिहादीज हायर किए गए हैं लोकल जिहादीज तो फिर पाकिस्तानी ना भाई हिंदुस्तानी तो है नहीं इंडियन आर्मी तो नहीं गई थो ठोकने के लिए तो तुम्हारे बंदे हैं यदि तुम्हारे हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के बारे में कहा था सांपवाड़े में अगर सांप तो पालते हो तो कोई जरूरी नहीं पड़ोसी के काटेगा आपको भी काट सकता है वही हो रहा है वही हो रहा है मां सरस्वती उसके जीप पे बैठ गई थी हेनरी के, के। सांप है उसका तो ट्रेड है उसका तो बिजनेस है काटना और किसको नहीं काटेगा का, तो तुम ही को काटेगा का, तुमको काट रहा है एक और बिंदु जब तुम्हारा घर खुद सुरक्षित नहीं है फिर काहे कहा फिर आईएसआई क्लेम करती है कि विश्व के हम सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है सबसे बेस्ट हो तो तुमको एम नहीं मिलता है इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिलता है हिंदुस्तान इनब्रॉट है सबूत दो ना सबूत दो तुम अपना घर तो बचा नहीं पा रहे हो और बड़ी बड़ी बातें करो विश्व का बेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एक और बिंदु पाकिस्तान की आर्मी यदि पाकिस्तान को सुरक्षित नहीं कर रख सकती है जिहादियों से तो तो इस देश के ऊपर लानत है लानत है और तब तो पाकिस्तान आर्मी को डिसबैंड कर देता आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने डिटेल में ये सारी जानकारी दी और हिंदुस्तान के ऊपर कटाक्ष करने के चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी कि सरकार को नीचा दिखाने के चक्कर में ये लोग प्रधानमंत्री के कैंपेन में ऐसा जुट गए हैं ऐसा ही लग रहा है हिंदुस्तान के ऊपर आर्टिकल लिखना बड़ा आसान है हिंदुस्तान को समझना बड़ा मुश्किल है ये गोरी चमड़ी वाले ये अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं आप देखते रहिए कैपिटल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद